नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 3 और 9 से विभक्ति का नियम देखेंगे। तो इसकी पहले परिभाषा, फिर कुछ उदाहरण के संग इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखते हैं, पहले हम 3 से विभक्ति का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग योग 3 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक ना, दी गई संख्या में देखिए, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें और अच्छा ये एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5, 4, 7, 3। ठीक ना, 7, 3, 7, 2 कर लेते हैं, 7, 2, 0। तो इसको ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनके सभी अंकों का योग देखेंगे। लिखेंगे अंकों का योग, तो अंकों का योग करेंगे तो 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 9, 18 आ गया। 9, 2, 18। देखिए 18 3 से विभाजित हो जाता है। जैसे इसको हम विभाजित करके देखते हैं, 18 3 3 6 18। ठीक ना, देखा लिखा है 3 से विभाजित है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ लिया और उसको 3 से विभाजित करके देख लिया, तो ये 18 3 के पहना से पूरी तरह कट जाता है, इसलिए दी की संख्या 3 से विभाजित है। लिखेंगे इसको, देखते इसको लिखते हैं, जो देखिए इसको अंकों को जोड़ा, 18 3 से विभाजित है, तो लिख लेते हैं जो 3 से विभाज्य है। ठीक ना, अतः दी गई संख्या ठीक ना, जो संख्या इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 5, 4, 7, 2, 0 3 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक ना, एक एग्जांपल और देखते हैं, अगली बार इसको हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड इसको मिटा देते हैं। आप लिखते हैं 7, 3, 5, 6, 2, 4, 0। ठीक, ये संख्या हो गया। अब इसके अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग करते हैं तो 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0। तो इनको जोड़ लेंगे तो आ गया 27। तो 27, इस 27 को चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित है। 27 को 3 से विभाजित करके देखें, 3 9 27, तो ये पूरी तरह विभाजित हो गया। अतः दी गई संख्या, ये देखिए अंकों का योग 3 से विभाजित है, अतः दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसमें है 6 5 3 2 1 0 7 5। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये आ गया, एक 8 भी लिख लेते हैं। ठीक ना, अब इसके अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग,
तो अंकों के योग 6 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 7 + 5 + 8, तो इनको जोड़ लेते हैं देखते हैं, तो 6 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 7 + 5 + 8, तो इनको जोड़ेंगे तो 9 + 9 = 27, ये आ गया 36। तो इसको देखते हैं, ये अब इसको चेक करेंगे क्या ये तीन के पहाड़ा से पूरी तरह विभाजित है, तो इसको देखते हैं 36, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो देखा तीन से पूरी तरह विभाजित है, तो इस प्रकार दी गई संख्या भी तीन से पूरी तरह विभाजित है। अब देखिए इसमें एक और ट्रिक है, जैसे ये 27 है, 27 थोड़ा सा बड़ी संख्या है, तो तीन से विभाजित है कि नहीं तो सोचना न पड़े, तो आप इसको जोड़ते रहिए, जब तक जोड़िए तब तक ये एक अंक में न बदल जाए, जैसे 2 + 7, तो 7 × 2 = 9, अब ये तीन से देख के समझ में आ गया कि तीन से पूरी तरह विभाजित है, तो ये संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार 36 को पुनः जोड़ सकते हैं, तो ये आ गया 9, तो 9 तीन के टेबल से तीन के पाड़ा से पूरी तरह विभाजित है, अतः हमको बहुत अच्छी तरह से जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये संख्या तीन से विभाजित है कि नहीं, ठीक ना। तो हमने देखा तीन से विभाज्यता का नियम, अब हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। देखिए जो नियम 3 की विभाज्यता का है वही नियम 9 की विभाज्यता का है, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं परिभाषा क्या बदलेगी, तो यहाँ लिखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम, और यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएं तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक ना, वही परिभाषा होती है। इसलिए मैंने 3 की विभाज्यता के संग ही 9 का विभाज्यता का नियम भी बताया। देखिए 2-3 एग्जाम्पल और इसका भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके करने से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं, 5, 6, 3, 1, 2, 7, 8, 4, ठीक ना, ये उदाहरण हो गया। इसके अंकों का योग कर लेते हैं, इसके अंकों का योग 6 + 5 + 3 + 1 + 2 + 7 + 8 + 4, तो अब इसके अंकों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 36। अब देखिए 36 9 के पाड़ा से पूरी तरह विभाजित है, देख लेते हैं इसको, 9 × 4 = 36, ये पूरी तरह कट गया, अतः अगर ये अंकों के योग 9 से विभाजित है तो अतः दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसको हम एक बार लिख के दिखा देते हैं, इसके अंकों का योग 36 आया, जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक ना। अतः देखिए क्या है, 6, 5, 3, 1, 2, 7, 8, 4, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी क्रम में एक उदाहरण और देखते हैं, ठीक ना, 9 से विभाज्यता का नियम में एक उदाहरण और देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हो क्या, 6, 0, 3, ठीक ना। इसको अब चेक करते हैं, तो लिखेंगे अंकों का योग बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 6 + 0 + 3, कितनी बड़ी भी संख्या हो जाए बस हमको इसके अंकों का योग ही करना होता है। तो अंकों का योग कितना आया, ये आ गया 45। तो इस 45 को चेक करेंगे क्या ये 9 के पाड़ा से विभाजित है, तो देखिए 9 × 5 = 45, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है, अतः दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आज हमने 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम देखा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।